नमस्कार मणि भोजकु स्वागत मिसमी प्रथम हेडलाइंस बहुचर्चित मास्क पीपी किट दुर्नीति मामला आज लोकायुक्त पाखे चूड़ा शुणा गत नवेम्बर 23 में हाजर न हो लिखित जवाब रखिते मुख्य शासन सचिव जी आगरा मेट्रो रेल परियोजना निर्माण कार्य आज शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री दुईट कॉरिडोर तैयारी नहीं रहा प्रस्ताव परिप्रसंग में कांग्रेस कन्फ्यूज स्टैंड पुणी नरसिंह दोहराइले कोर्ट मॉनिटर एसआईटी कोर्ट में सरकार उत्तर कौच भिन्न कथा विशेषज्ञ कहले सरकार इच्छार एसआईटी गठन गंजाम पॉलिटिक्स रे हलचल प्रदीप को बहिष्कार पर कहा उपरे भरोसा करेंगे नवीन पावर कॉरिडोर रे लबी पाई आरंभ होलानी ब्लूप्रिंट चर्चा रे चंद्रशेखर कोना राज्य में कोरोना को नहीं बड़ आश्वस्ति ओडिशा रे सेकेंड वेव आसवर संभावना नहीं डाक्टर जयंत पंडा को बयान को नहीं बड़ आशा वैक्सीन आसवा जाए गाइडलाइन मानवाक परामर्श एवं बाजी मारा भारत पांड्या विस्फोरक बैटिंग टी ट्वेंटी सीरीज रे भारत कब्जा ऑस्ट्रेलिया को द्वितीय टी ट्वेंटी रे 6 विकेट रे मात देला विराट बाहिनी सीरीज रे 2-0 रे भारत आगुआ एवं देखा संपूर्ण खबर बहुचर्चित मास्क और पीपी किणारे दुर्नीति मामलें आज लोकायुक्त पाखे चूड़ा शुणा गत नवेम्बर 23 तारीख में द्वितीय थर पर लोकायुक्त पाखे शुणा होता से समय हाजर न हो लिखित जवाब रखि मुख्य शासन सचिव हेमंत को अपसारण प्रसंगे उत्तर रखि मुख्य शासन सचिव अधिक कार्यभार जो परचेज कमिटी बाद दि जाते यापर मामलार चूड़ा शुणा आसंता डिसेम्बर 7 होने स्थिर कर तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित भुवनेश्वर फोनलाइन में जोड़ प्रतिनिधि रोशन रथ रोशन बहुचर्चित मास्क और पीपी किट दुर्नीति मामला आज लोकायुक्त पाखे चूड़ा शुणा गत नवेम्बर 23 में हाजर न हो लिखित जवाब रखिते मुख्य शासन सचिव कौन लगुच आज हाजर हे ना पुणी आज किसी शुणा जदि कह पुणी आउ थे किसी लिखित जवाब रखे देखो तो आज जो मास्क एवं पीपी किट काम को लेकिन जो लोकायुक्त पाखे मामला दायर होता तार आज चूड़ा शुणा अच्छी तेणु गत जो गत थर शुणा होता लास्ट शुणा समय मुख्य शासन सचिव को उत्तर रखा कहुता है हेमंत शर्मा को कहीं परचेजिंग कमिटी अवतारण कराला अधिक वर्कलोड थी दर्शे मुख्य शासन सचिव एवं लोकायुक्त जो उत्तर आशा करा मिली ना बोली असंतोष होते तेणु क्योंटि ना क्योंटि आज जो चूड़ा शुणा अच्छी उभय पक्ष को हाजर हवा कई जो मैंने चाहिए निज वकिल आनी पारे कहुई तेणु सब डॉक्यूमेंट सहित उभय पक्ष को आज आज हाजर हे दिन 11 शुणा आरंभ हम जो दुई वरिष्ठ आईएएस अफिसर ना अभियोग आमिनी षड़ंगी और हेमंत शर्मा आज भाग्य निर्धारण हम ते लोकायुक्त मामलार चूड़ा शुणा कर कौन राय शुणुचार समस्त नजर रोक रोशन केउ समय धार्य करा जाय छी दिन 11 आज शुणा आरंभ हम एवं उभय पक्ष को आज 11 भितर हाजर हवा कई जो जो मैंने चाहिए निज वकिल आनी पारे निहाती भाव अर्थात आज बहुचर्चित मास्क और पीपी किट दुर्नीति मामला एवं आज लोकायुक्त पाखे चूड़ा शुणा होबार जहाँ सूचना आज रही बहुत बहुत धन्यवाद रोशन आप समस्त सूचना पाए अन्यपटे जी आगरा मेट्रो रेल परियोजना निर्माण कार्य शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए प्रधानमंत्री यार शुभारंभ करेंगे 2019 मार्च 8 में कानपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए प्रधानमंत्री यह प्रकल्पर शिलान्यास करते अवसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी राज्य बहु मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे आगरा मेट्रो रेल परियोजन 29.4 किलोमीटर 2 कॉरिडोर निर्माण प्रस्ताव ताजस्ट गेट ठारु सिकंदरा मध्ये प्राय 14 किलोमीटर लंबा प्रथम कॉरिडोर निर्माण हेबो एथिरे मोट 13 मेट्रो स्टेशन रहिबो सेपरी द्वितीय कॉरिडोर आगरा क्यांट ठारु कालेंदा बिहार मध्ये निर्माण हेबो जार लंबा 15.4 किलोमीटर रहिबो एवं एथिरे मोट 14 मेट्रो स्टेशन रहिबो ए प्रकल्प पई प्राय 8380 कोटी टंका खर्च हेबो।
परी सुरक्षार तेरछुआ बाण पुणी कांग्रेस आभिमुख्य उठिला प्रश्न। नरसिंह मिश्र कहिले कोर्ट मॉनिटर एसआईटी कोर्ट सरकार को उत्तर कहुचे सरकार को गठित एसआईटी आईनजीवी कहते सरकार गठित एसआईटी परी सुरक्षार तेरछुआ बाण पुणी कांग्रेस आभिमुख्य कुने उठिला प्रश्न। नरसिंह मिश्र कहिले कोर्ट मॉनिटर एसआईटी कोर्टे सरकार को उत्तर कहुचे सरकार को गठित एसआईटी आईनजीवी भी कहते सरकार गठित एसआईटी प्रथम शुणु परी हत्याकांड रे एसआईटी तदंत नहीं कौन कहते कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र when it gives some weightage the high court has asked the SIT to immediately probe having indicted silence for 5 years they have placed reliance on the SIT they said immediately you probe find out the guilty arrest him and put up our 16 not far off and what the IG in charge of the SIT has said give me 15 days time I'll expose everything I have already the clue ebe nazar pakantu e dastavij upare pori hatya mamlare CBI tadant dabi nei hoitwa janaswartha mamlare e heuchi court ko nirdesh ethire ullekh rahichi advocate general court ko janaichanti je pori hatya mamlare IG rank ra jane police officer ko netrutva re ek SIT gathan hoichi तदंत भी आरंभ हो सारी तदंतर अग्रगति नहीं कोर्ट को जनाजियो बोली सरकार का पक्षरु कुआ जाई छे एहा परे कोर्ट नयागढ़ पुलिस रो तदंतरे असंतोष प्रकाश करी छंती कोर्ट कहि छंती जेहेतु राज्य सरकार एसआईटी गठन करी सारी छंती तेणु स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को अभियुक्त को चिन्हट करी गिरफ करबा पई कोर्ट निर्देश दै छंती ए दस्तावेज कहू नाही कि एसआईटी कोर्ट मॉनिटर न है सरकार को द्वारा गठित एसआईटी टीम पीआईएल रो सुनानी करी कोर्ट एसआईटी को निर्देश दे छंती जदि पीआईएल न होई थांता ताहले कोर्ट ए निर्देश दे थांते कि केऊ जज एसआईटी रो मॉनिटर करू छंती सरकार कहू छंती तदंतर अग्रगति नै कोर्ट को जणाइबो कोर्ट मॉनिटर होइथिले कोर्ट ए नै जानि न थांते कि वरिष्ठ आईनजीवी को मत वर्तमान सुधा ए सरकार को एसआईटी देखो प्रथम कथा कह 28 तारीख दिन 28/11/2020 जिते बेले स्टेट गवर्नमेंट को से जो सेक्रेटरी लिखते हाईकोर्ट रजिस्ट्रर को लिखी है चिठी आमको मॉनिटरिंग करा जाओ एसआईटी गठन है मॉनिटरिंग करा जाओ से चिठी आप देखो समस्त ना लिखा ही एसआईटी अमुक अमुक व्यक्ति रही बोल के तेनाली बर्तन आम जाना बर्तन मानव हाईकोर्ट को कौन से अर्डर ना आज जो आईनजीवी पद्मा महापात्र फाइल करानवर हाईकोर्ट पाखे जो खबर आसला कांग्रेस हाईकोर्ट का तत्वावधान रे एसआईटी किंबा मंत्री अरुण साहू का इस्तफा दाबी करूछि एसआईटी गठन हला एबे मंत्री का इस्तफा दाबी करू नहंती नरसिंह और निरंजन
So our ultimate demand was High Court monitor SIT or resignation of the Minister Nayagar. If the first thing is accepted, are we not to behave as human beings? Will we not keep our words in the house? There are several other matters which the government didn't like to discuss. Home Department discussion, GA Department discussion, where corruption would have been exposed. किंतु तांको दलर वरिष्ठ नेता कहउछंती मंत्री इस्तफा दियंतु तांकु बहिष्कार करा जाउ एमिति के दलर मैनेज कथा भी कहितले विधायक सुरेश राउतराय ना ना मु कुछिनो आ मैनेज न होइतला हम ओरि जानतु मैनेज हेजि बेले तो ओरिलु मुख्यमंत्री को पर विश्वास रखी कि विरोध दल नेता ओरि होले नरसिंह मिश्र आज हम इस्तफा दाबी करछु माननीय मंत्री कृषि मंत्री श्रीयुक्त साहू आम इस्तफा दाबी करूँ एवं हाईकोर्ट तत्वधान एसआईटी गठन करा जाओ एसआईटी गठन एसआईटी तदंत करूँ एवं जेहेतु से मंत्री अच्छा निश्चित भाव इन्फ्लुएंस करेंगे से तुरंत से इस्तफा दि मु तो दाबी करी मुझे मंत्री को इमीडिएट बाहर करा जाओ से बाबुला बोली जे व्यक्ति ताकु से कहिसंती ये मो पाखरे से समय थिला जदि से कहिसंती ताहले से निश्चित भाव घंट घोड़ौछंती अपराधी को बंचेबा पे चेष्टा करूछंती आउ जे अरुण साहू को बर्दाश्त बरखास्त करिवे नाही मुख्यमंत्री ताहले अरुण साहू को बंचेबा चेष्टा मध्ये मुख्यमंत्री करछंती बोल धरा एसआईटी रोल किछि नाही ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन जहा ये एसआईटी तुरंत ताठारु तारगड़ खाली नामकरण रे परिवर्तन करा जाय एथरे केही मते सहमत नांति मु बहुत आमर सम्माननीय नेता मानक सहित कर्मी मानक सहित शुभेच्छा मानक सहित आलोचना करछि केही मते आको पसंद करि नांति वर्तमान गोटिए कथा स्पष्ट हेउछि एसआईटी कोर्ट मॉनिटर नुहे ये सरकार को गठित एसआईटी एबे बड़ प्रश्न घटना को चापी देथिबा एसपी तदंत परिसर को आसीबे त केबे तदंत परिसर को आसीबे मंत्री अरुण साहू ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज आसवा परवर्ती खबर को आगो को कोन हेबो गंजाम जिला रो राजनीतिक समीकरण मुख्यमंत्री के ब्लू यार्ड बॉय कहा जाउथिबा गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही को बिजेडर बहिष्कार पर यूटर्न नेबो कि गंजाम पॉलिटिक्स के हेबो प्रदीप को जगह वयजेष्ठ को नवीन भरोसा करिबे ना नुआ नेता तथा युव चेहरा को मिलिबो गुरुदायित्व कि आमदनी नेता करिनेबे बाजी तबे एभली अनेक कल्पना जल्पना एबे राज्य राजनीति को बेस सरगरम करि तलुछि खूब शीघ्र यूटर्न नहीं पारे गंजाम पॉलिटिक्स मुख्यमंत्री को ब्लू यार्ड बॉय कहा जाउथबा गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही को बीजेडी रु बहिष्कार शासक दल लागि सृष्टि करि पारे बड़ चैलेंज प्रदीप को जगह नेबा को गंजाम रो छामुआ नेता को भितरे एबेठु चालेनी जोरदार छक्का पंजा प्रदीप को स्थान को पूरण करबा ओ दल रो संगठन को पुणि तरे बजाय रखबा पई पावर कॉरिडोर रे आरंभ होईची राजनीतिक गोटी चलना कारण गंजाम रो राजनीतिक सिनारियो कहउची जिला रो 13 निर्वाचन मंडली मध्यरु केवल सानखेमुंडी आसन को छाड़ी बाकी 12टी आसन रे रहीची शासक दल जेउथिरे 3टी आसन रे रहिसंती दल रो वरिष्ठ तथा वयजेष्ठ नेता मात्र अन्य सबुठी प्रायत नुआ नेता तबे एपरि स्थले कहा को भरोसा करिवे नवीन नजर पकांतु प्रदीप को स्थान पूरण लागि पार्टी सुप्रीमो को आगरे रहिची की चैलेंज चैलेंज नंबर एक जिलार तीन अभिज्ञ नेता विक्रम केशरी आरुख सूर्य नारायण पात्र और उषा देवी को मधुर कहा को जन को जिला दायित्व देवा सुप्रीम को लागि होई पारे काठिकर व्यापार विक्रम केशरी आरुख को संसदीय क्षेत्र अलग होता बेले नेतृत्व को पूर्व ही भरोसा करि नहंती नवीन से हीपरी उषा देवी वयसगत कारण सक्रिय राजनीति में अंश ग्रहण कर सूर्य पात्र वर्तमान बाचस्पति रही चैलेंज नंबर दुई वर्तमान जिला सभापति रमेश चंद्र चाउ पट्टनायक भी वयसगत समस्या जो नेतृत्व उपरे भरोसा करि न पारंती नवीन चैलेंज नंबर तीन जिलार अन्य नेता माने प्रायत युव गोष्ठी होइतबारु अभिज्ञता दृष्टि जिला दायित्व दे रिस्क नेबाकु न चाहि पारंती नवीन चैलेंज नंबर चार वर्तमान ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर साहू और विधायक विक्रम पंडा नेतृत्व को जदि दल भरोसा कै तेज हूत जिला संगठन यह सहजरे ग्रहण न करि पारंती तबे एने वर्तमान रो जिला सभापति को कहिबा कथा लोके बिजेडी को पसंद करंती जहां को भी दल सुप्रीमो बाछिबे तांको नेतृत्व रे दल आहुरी आग को बढ़िबो गंजाम राज्य रे प्रभाव किछि पड़िबो नाही कारण हमर हाई कमांड जणे
ସେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କହନ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ଦ କଥା ସେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସେବକ, ତେମେ ସେବକ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କର, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର। ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନବୀନ, ପିନାକୀ ଓ ଭର୍ତ୍ତହରିଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତି ନୂଆ ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଦଳରୁ ହଟିବା ପରେ ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ବି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ଉଭୟ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଗକୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି କାମ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଗଡ଼ ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଦବଦବା ଥିଲା ତାକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇସାରିଲୁଣି। ଏହି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଯେଉଁ ଖୋଲିଛି ତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ, ସେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବୁ। ବଡ଼ ଧରଣର ସଙ୍କଟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରତକ ଅଛି, ଯାହା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କେମିତି ବିଜେଡି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ମଦ ମାଫିଆଠୁ ନେଇ ବାଲି ମାଫିଆଠୁ ନେଇ ସବୁ କଥାର ଯଦି ଇଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳକୁ ବା କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଏ ନେଉଛି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଜାଗା, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ନବୀନ ଭରସା କରିବେ ନା ନୂଆ ନେତା ତଥା ଯୁବ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ, ଏହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହର ଗସ୍ତ କରି ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଚୈତ୍ରାମର ଦୈନିକ 20 ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୋ ସିଏନ୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କବିତଖେଡ଼ିର ଦୈନିକ 15 ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୋ ସିଏନ୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗସ୍ତ କରି ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୋର ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇନ୍ଦୋର ଚୈତ୍ରାମ ଓ କବିତଖେଡ଼ିର ବାୟୋ ସିଏନ୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଇନ୍ଦୋର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଇନ୍ଦୋରରେ ଘରୋଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ଧନରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରବିବାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହର ଗସ୍ତ କରି ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଚୈତ୍ରାମ ଦୈନିକ 20 ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୋ ସିଏନ୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ କବିତଖେଡ଼ିର ଦୈନିକ 15 ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୋ ସିଏନ୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଦେବଗରୁଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଦୈନିକ 500 ଟନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୃଥକକରଣ ସୁବିଧା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହିସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତ୍ରାମ ବାୟୋ ମିଥାନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆଖପାଖ ପରିବା ବଜାରରୁ ସଂଗୃହୀତ ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଦୈନିକ 700 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାୟୋ ସିଏନ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଗସ୍ତ କାଳରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇନ୍ଦୋର ମହାନଗର ନିଗମ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ଅଫିସର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ଶିଳ୍ପର ଅନେକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୃଥକକରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ଆଇଏମ୍ସିର ଉଦ୍ୟମ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଇନ୍ଦୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ନେ ଔର ଏକ ଅଚ୍ଛା କାମ କିଆ ହେ, ସରାହନୀୟ କାମ କିଆ ହେ, ଉସେ ବାୟୋ କମ୍ପ୍ରେସ ଗ୍ୟାସ, କମ୍ପ୍ରେସ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ ନିକାଲନେ କେ ଲିଏ 3 ସଫଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 15 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କି 20 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କି ଔର ଅଭି 500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପର ଡେ ଐସେ ଲିକ୍ୱିଡ କଚଡ଼େ ସେ ଗିଲା କଚଡ଼େ ସେ 16,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରତିଦିନ ନିକଲନେ କା ଉନ୍ହୋନେ ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯହାଁ ଲଗାନା ଶୁରୁ କିଆ ହେ। ମୁଁ ଆଜ ଇଏ ତିନୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ଆୟା ହୁଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ କି କଳ୍ପନା ହେ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ ବନାନା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା କି ଆନ୍ଦୋଳନ କେ ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ହେ। ଏ ସାରେ କଚଡ଼େ କୁ ଅଗର ହମେ ଇକୋନୋମି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରତେ ହେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେ ସାଥ ସାଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କି
रोजगार की अनेक संभावना उससे जुड़ी हुई है। इंदौर सबसे आगे है। बैठक में इंदौर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ज्य वस्तु ऊर्जा प्लांट प्रतिष्ठा उपरे एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत होता। रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ओडिशा को नाही कोरोनार सेकेंड वेव भय। धीरे धीरे कमुचे आक्रांत एवं मृतकों संख्या। सप्ताहक भितरे प्रतिदिन पॉजिटिव को संख्या 500 तलक खसछे। सेपटे मृत्यु संख्या मध्य डिसेंबर आरंभ रही दिन को हाराहारी 5 रे सीमित रहछे। जाकुने स्वास्थ्य विभाग वैज्ञानिक कमिटी मुखपत्र डॉक्टर जयंत पंडा एभली अनुमान करछन्ते। ओडिशा को फेरिबनी कोरोना आसिबनी सेकेंड वेव। कोरोना काल रे आसिला आश्वस्तिकर खबर। ओडिशारे आसिबनी कोरोनार द्वितीय लहर। राज्यरे कमुछि कोरोना कर्फ। नवंबर 14 रु प्रतिदिन कमुछि पॉजिटिव को संख्या। गोटे दिनरे आक्रांत को संख्या हजारे तळकु रहुछि। गत एक सप्ताह रे दिनकु 500 तळकु संक्रमित चिन्हट हेउछन्ति। सेपरि कोविड मृत्यु संख्या मध्य कमिछि। नवंबर 29 रु आज पर्यंत दिनकु हाराहारी 5 जणक जीवन नेउछि वायरस। एभळि तथ्य आधारे सूचना देइछन्ती स्वास्थ्य विभाग वैषयिक कमिटी मुखपात्र डॉक्टर जयंत पंडा। समस्त अनेक त्याग करछन्ती, जनसाधारण अनेक त्याग करछन्ती, प्रत्येक कोरोना योद्धा अनेक त्याग करछन्ती। या द्वारा जो शीत दिन जो लहरी आम आशंका करूथले, आम चाहूचु, आम भावुचु, आम आशा करूचु ओडिशा ता बड़ विपद हेबनी। तथापि फेब्रुआरी जाए आम सतर्क रहा दरकार। आम मास्क पिंधा हूँ, हाथ धोवा हूँ, डिसइनफेक्शन हो, यहाँ चालू रखा दरकार। जमीक आम प्रस्तुतिर जो शेष पर्व सफल हम ओ कोरोना भूताणु हार ओ आम जित। गवेषणा कहि प्रथम लहर और द्वितीय लहर मध्य रोचे 3-4 मास व्यवधान। सेप्टेम्बर और अक्टोबर मसने पिक्रे कोविड संक्रमण, तेणु जानुरी मसने द्वितीय लहर आसवर संभावना रही। से आसंता फेब्रुआरी पर्यंत कोविड कटक मानवा को चेतई स्वास्थ्य विशेषज्ञ। सेकेंड वेव ओडिशा आसीबो ना नाही एटा गोटे एमिति प्रश्न ताहा पाखरे 100% आंसर कहार नाही। आसी भी पारे न आसी पारे। तेणु जदि आमे भाबिबा ओडिशा रे पीक हेतला अक्टोबर रे, ताले नवंबर डिसेंबर जनवरी, तेणु आंगोटे पीक हेले होय तो डिसेंबर न होय कि जनवरी हे पारे। किंतु केही को सठिक भाबरे कहि पारबेनि जे आ गोटे वेव आसीबो ना नाही। जेमिति वर्तमान इंग्लैंड रे सेमाने फाइजर टीका को इमरजेंसी बेसिस रे व्यवहार कलेनी एवं रशिया रे स्पुटनिक भी को व्यवहार कलेनी। मु स्थिर निश्चित जे एई मास शेष किंबा आसंता वर्ष प्रथम सप्ताह आड़ी आमर 2-3 टीका भारत को आसीजीव। वैक्सीन रो आशा भितरे ओडिशा रे आश्वस्ति देखि विशेषज्ञ को ए बयान। किंतु कोरोना विपद न जीवा जाए कोविड कटकणा को मानिबा को परामर्श देइछन्ती डाक्टर। सेपटे फाइजर पक्षरु भारत रे टीकार जरूरी कालीन व्यवहार पई ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया को अनुमति मगा जायछि। कटकरु विश्वजीत दास को सह भुवनेश्वरु प्रदीप्त महापात्रंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। आसंता काली प्रथमाष्टमी श्रीमंदिर रे पढुआ हेबे श्रीजू। सेपटे श्रीजूंक मामुघर नियाली माधव मंदिरु महाप्रभुंक पई जाउछि प्रथमाष्टमी भार। परंपरा अनुसार श्रीजू मानक अंगलागी खंडुआ वस्त्र अरुआ चाउल बिरी नड़िया गुड़ पाचिला कदली जाउछि मामुघर। तेबे कटक जिला नियाली ब्लॉक माधवस्थित माधवानंदक मंदिर हेउछि श्रीजगन्नाथक मामुघर। केउ आवाहन कालरु माधव मंदिर पक्षरु जगन्नाथक प्रथमाष्टमी रे पढुआ परंपरा थिबा बेले गत किछि वर्ष हेबो ए परंपरा बंद थिला। गत वर्ष ठारु ए परंपरार पुनः प्रचलन होइथिबा बेले चलित वर्ष मध्ये श्रीक्षेत्र अभिमुखे जीव भार। एथि पई प्रस्तुति अंतिम पर्यायर। नजर पकाइबा खेल संपर्कित खबर उपरे। दिनिकिया पराजयर प्रतिशोध T20 नेला भारत। हार्दिक पांड्या विस्फोरक बैटिंग बल रे द्वितीय T20 मैच जितला भारत। 3 मैच विशिष्ट T20 श्रृंखलार द्वितीय मैच जीति सीरीज कब्जा करछे भारत। ब्याट्समैन प्रभावशाली प्रदर्शन बल रे स्वीडेन रे खेला जाइथिबा द्वितीय T20 मैच रे 6 विकेट रे ऑस्ट्रेलिया को हराइछे भारत।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 20 ଓଭରରେ 194 ବିଶାଳ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ୱାଡେ ସର୍ବାଧିକ 58 ରନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ 46 ରନ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। 195 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଜବାବରେ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ 52 ରନ୍, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ 40 ରନ୍ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅପରାଜିତ 42 ରନ୍ ଇନିଂସ ବଳରେ ଭାରତ 2 ବଳକା ଥାଇ 6 ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ। ଆଗକୁ କିଛିଦିନ ବି ଏହିଭଳି ଭାବେ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିବ। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ବାକି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ବି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ପାଗ ଉପଯୋଗୀ ରହୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 8 ସକାଳୁ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୋନପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ିର ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଶୀତ ଜାରି ରହିବ। ସମସ୍ତରୁ ଛେବୁଲଟିଙ୍ଗିଆ ରଖିବା। ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।